छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि व आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मंत्री नेताम ने कहा कि मैं रामानुजगंज से विधायक हूं और लोकसभा चुनाव के समापन के बाद कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचा हूं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही पता चलता है कि शासन की योजनाएं धरातल पर कितनी खरी उतरी हैं। कार्यकर्ता हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयास है। जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद और लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद मेरा इधर आना नहीं हो पाया था। आज पहली बार परिणाम घोषित के बाद और सरकार बनने के बाद आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ। कार्यकर्ताओं का काफ़ी उत्साह, उमंग और जोश दिखाई दिया और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत हम लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी वर्तमान सांसद चिंतामणि महाराज जी को 40,000 वोटों से जिता के भेजा। तो स्वाभाविक है उन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी रहेगा, उमंग भी रहेगा और अपेक्षाएं भी रहेंगी। उसके आधार पर हम लोग पूरा कार्य योजना बना के, लोगों को सुझाव लेके, अलग अलग डिपार्टमेंट को धीरे धीरे टारगेट दे रहे हैं और जो इस क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं वो सब काम जो है किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार में मैं एक महत्वपूर्ण स्थान पे हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए जो भी आवश्यक होगा और क्या बेहतर हम इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, जिले के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर लगातार हमारा मंथन भी चल रहा है, लोगों से बात भी कर रहा हूँ और कहाँ से इसके लिए व्यवस्था करनी है ये भी हम लोग योजना बना रहे हैं। और निश्चित ही 5 साल का जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है तो उसके अनुरूप मैं काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा इंतजार करिए। लोगों से भी मेरा यही आग्रह है कि अभी कुछ दिनों और थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि योजना बनने के बाद, बजट में आने के बाद ज़मीन में उतरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रक्रिया के तहत थोड़ा लग रहा है समय, लेकिन सब काम जो है हो जाएगा।